नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और थूकने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दीपावली और राज्य स्थापना दिवस को देखते हुए, यानी इसके मद्देनजर, अधिकारियों को प्रदेश भर में स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष में 6 से 12 नवंबर तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। सचिवालय में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दीपावली के पर्व पर यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आवागमन में लोगों को किसी भी प्रकार से किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। अग्निशमन विभाग यानी फायर डिपार्टमेंट द्वारा दीपावली पर आगजनी घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, यानी उनको भी अलर्ट मोड पर रखा जाए। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता, बड़े नेता, पूर्व केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इसमें पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत ने कहा कि उच्च अधिकारी राज्य की बेशकीमती जमीन को निवेश के नाम पर लुटा रहे हैं। आपको बता दें कि इस कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने यह कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अगस्त्या मुनि में कार्यक्रम की घोषणा की है कि वो राज्य में सख्त भू कानून लाने जा रहे हैं। इसके साथ ही धामी ने, यानी मुख्यमंत्री ने, सशक्त भू कानून के लिए उप समिति गठित भी की थी। रावत ने धामी सरकार पर तंज कसते हुए कई और आरोप लगाए। उस पर भी देखें, डेटा बहुत बड़ा है। हमने दो जिलों का अध्ययन किया है, हरिद्वार और पौड़ी जिले का। हरिद्वार और पौड़ी जिले के मामले और एक जॉर्ज एवरेस्ट का मामला है। कैसे उत्तराखंड की, देखिए मसूरी है, कैसे उत्तराखंड की खरबों की जमीन 1 करोड़ साल के किराए पर एक बेमानी से अनामसी कंपनी को दी गई है। इन सब मामलों के हम आपको डेटा शेयर करेंगे। मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यही कहूंगा कि मैं जॉर्ज एवरेस्ट से शुरू करूं। देखिए, जॉर्ज एवरेस्ट से अगर मैं आप शुरू करूं, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी बता रहे हैं का आदेश है मुझे। देखिए, जॉर्ज मसूरी के पास में एक पार्क स्टेट एक जमीन है। पार्क स्टेट कहते हैं, पहले स्टेट्स होती थी। स्टेट ये होती थी कि जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी उनको स्टेट का नाम देते थे। तो हाथी पांव में 422 एकड़ जमीन पार्क स्टेट की थी, उसमें कई लोगों की जमीनें थी। इसमें से 172 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने स्वर्गीय एमसी शाह परिवार, स्वर्गीय सीपी शर्मा परिवार जो यमकेश्वर के गांव के मूल निवासी थे, अर्चना पूरण सिंह के पिता स्वर्गीय पूरण सिंह आदि से पर्यटन विकास के नाम पर 1990 से लेकर 1992 तक अधिग्रहित की थी। दिल्ली से सबसे नजदीक हिल स्टेशन मसूरी की सरकारी जमीन उत्तराखंड की सबसे बेशकीमती जमीनों में से एक थी। इसलिए देश विदेश के सारे बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों की नजर इस जमीन पर थी। उत्तर प्रदेश के जमाने में समाजवादी पार्टी की सरकार में भी इस जमीन को एसएल वर्ल्ड कंपनी को देने की बात चली थी, लेकिन तब भारी जन विरोध और पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होने के कारण सरकार ने यह फैसला नहीं लिया था। जो काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई थी, उसे 19 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन सचिव / पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुर्वे के एक हस्ताक्षर से हो गया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 172 एकड़ पर्यटन विभाग की भूमि में से 142 एकड़ भूमि का मतलब होता है 762 बीघा। अगर आप नाली में उस जमीन को माने
तो 2826 नाली होती है, और अगर वर्ग मीटर में अगर आप उस जमीन को माने इकाई दाई सैकड़ा हजार दस लाख दस लाख 57,44,566 वर्ग मीटर जमीन होती है। राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को केवल 1 करोड़ सालाना किराया पर इस जमीन को साहसिक पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के ऑपरेशन मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के नाम पर 15 साल के लिए दे दिया। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से नेता थे, दूसरा क्या कुछ कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की गई, क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ठीक केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से पहले ये जो एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर किए, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 मैसेज बड़े देने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया। पहला कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ यहाँ पर इस चुनाव में जाने का काम कर रही है, जिसको लेकर बीच में जो अफवाहें या खबरें जो चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी में कई गुट बंधे हुए, तो उस पर विराम लगाने का काम कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया गया। दूसरा, कांग्रेस ने एक बार फिर मूल निवास जैसे या भू कानून जैसे जो विषय गंभीर विषय है, राज्य के ज्वलंत विषयों में से एक विषय है, उनको उठाने का काम यहाँ पर किया है। जिस विषय को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई गई थी, उससे सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर निशाना साधने का काम कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत, जो केदारनाथ से संभावित उम्मीदवार इस समय कहे जा सकते हैं, उनकी तरफ से ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई गई थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा मौजूद रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, कांग्रेस के जो रुद्रप्रयाग के जिला अध्यक्ष है कुंवर सिंह सजवान वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। ये एक मैसेज देने का काम यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस राज्य के ज्वलंत विषयों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का काम यहाँ पर करेगी, सरकार को घेरने का काम यहाँ पर करेगी और सरकार से सवाल जवाब पूछने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में जो सरकार की जो जमीन है उन जमीनों को लीज पर देने का जो काम यहाँ पर किया जा रहा है, उसमें कौड़ी ये कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की जो जमीनें हैं उनको कौड़ियों के दाम पर देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। यह बड़ा खेल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस प्रकार से मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट की जो जमीन है, कह सकते हैं कि 257 एकड़ की जो जमीन वहां पर है, 700 बीघे से ज्यादा की जमीन उसे कहा जा सकता है, उसको 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर लीज पर देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जबकि वर्तमान में उसका अगर मूल्य यहाँ पर देखा जाए तो 2,500 करोड़ से ज्यादा का उसका वर्तमान मूल्य वहां पर है। इसी प्रकार से उन्होंने हरिद्वार और पौड़ी जनपद को भी ये कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा ऐसे प्रकरणों को उठाने का काम यहाँ पर किया, जहां पर सरकार की जमीनों को लीज पर देने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा, वो औने पौने दामों पर वो लीज सरकार को देने का काम यहाँ पर हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार को राजस्व का भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है और यह सब मिली भगत अधिकारियों की संयुक्तता से यहाँ पर हो रही है और सरकार के जो नेता है जो जनप्रतिनिधि है वो सब इन चीजों पर खामोश यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी अभय, क्या यही वजह है कि वो ये जो वो बात कह रहे हैं कि बेशकीमती जमीन को उच्च अधिकारी लुटा रहे हैं, तो मतलब सीधा सीधा कि वो लीज को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि लीज पर देना और लुटाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो क्या जो आप ये बता रहे हैं कि सस्ते दाम पर जमीनों को दिया जा रहा है, इसी की तरफ सांकेतिक भाषा में वो चीज कह रहे हैं बेशकीमती जमीन लुटा रहे हैं अधिकारी? देखिए, कांग्रेस की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये सीधे तौर पर सरकार के ऊपर निशाना साधने का काम उनकी तरफ से किया गया। ये केदारनाथ है, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को जोड़कर भी यहाँ पर इसे देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने सीधा आरोप लगाया है कि हरिद्वार और पौड़ी के बाद सरकार का अगला निशाना रुद्रप्रयाग जनपद है। रुद्रप्रयाग जनपद में कह सकते हैं कि चोपटा की जो बेशकीमती जमीन है, जहाँ पर दुनिया भर के लाखों पर्यटक वहाँ पर आते हैं, उन जमीनों को लीज पर देने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। ये सीधे तौर पर निशाना है कि सरकार अगर अब भी त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले दिनों में विपक्षी पार्टी आक्रोश यहाँ पर व्यक्त करेगी। जी अभय, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये मनोज कह रहे हैं या जो कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे वो ये बात कह रहे हैं कि जमीनों को सस्ते दाम पे दिया जा रहा है, क्या ये हकीकत है या उपचुनाव के मद्देनजर पूरी तरीके से एक प्रकार से माहौल बनाने की कोशिश है, या ये कहें कि सरकार को घेरने की कोशिश है धामी सरकार? सरकार को घेरने की बड़ी कोशिश कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर है, क्योंकि केदारनाथ का उपचुनाव सामने, ऐसे में केदारनाथ की जमीनों के माध्यम से भी सरकार को घेरा जा सकता है। हरिद्वार में 58 केसेज है, पौड़ी में 53 केसेज ऐसे उनकी तरफ से यहाँ पर दिखाए गए हैं,
उन्होंने कहा है कि राज्य में 2018 के बाद से, यानी जब से भाजपा की सरकार सत्तासीन यहां पर हुई है, 2017 में भाजपा की सरकार सत्तासीन यहां पर हुई है, तब से लेकर अब तक 11 बार जो जमीनों को लेकर जो कानून थे उन कानूनों में परिवर्तन यहां पर हुआ है। जिस प्रकार से राज्य की जमीनों को लीज पर कम दाम पर लीज पर देने का खेल यहाँ पर चल रहा है, उससे सरकार को बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि सरकार को राजस्व प्राप्ति यहाँ पर सही रूप में नहीं हो पा रही है। दूसरा, जो सरकार की जो बेशकीमती जमीनें थी वो दूसरी जो कंपनियों को लीज देने का काम पर यहाँ पर हो रहा, वो कंपनियों के द्वारा वहां पर ना तो उस प्रायोजन का काम वहां पर हो रहा है जिसके लिए उन्हें जमीनें वहां पर दी गई थी, बल्कि वहां पर दूसरे काम वहां पर किए जाने रहे। इस तरीके से जमीनों को खुद गुप्त करने का काम भी वहां पर हो सकता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अभय थोड़ा आप पानी पी लिए और अपनी तबियत का थोड़ा ख्याल रखिए, और बहुत बहुत धन्यवाद अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार के सिंचाई विभाग के कार्यालय में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब तेजी से वायरल भी हो रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग के दफ्तर में एक व्यक्ति ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और इस अप्रिय घटना से इसके बाद महिला इतनी आक्रोशित हो गई कि उसने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए व्यक्ति को चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। दफ्तर में नजारा देखकर वहां के मौजूद सभी लोग दंग रह गए, हैरान रह गए। मुझे क्या पता कौन है, मैंने उसमें लिखा रजिस्टर में, आपने खुद बोला। महिलाएं आई, किसान कृषक महिलाएं थी, तो उन्होंने कृषि विभाग की जानकारी लेनी चाहिए, योजनावार कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो मैंने फार्म मशीनरी बैंक का बताया और बताया कि समूह में आप आएंगे 5 लाख तक का सामान मिलता है, 1 लाख के आपको कृषक अंश जमा करना पड़ेगा, 4 लाख की छूट इसमें मिलेगी। और मैंने बताया कि आप निजी लेना चाहें तो पावर बीटा भी ले सकते हो, आटा चक्की भी ले सकते हो, मसाला बना करके भी बिजनेस कर सकते हो, और अगर आप जियो लाइन टैंक भी बनवाना चाहें, सिंचाई टैंक करना चाहें, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। ये तो वैसे बैठे हुए थे सभी किसान के साथ, महिलाएं सुन रही थी, सुनते सुनते बता रहे कि अब इनका आपसी क्या विवाद था कि सभी सरकारी योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं, आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, उनका आपसी विवाद था। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने पर 3 पदाधिकारी गिरफ्तार, धार्मिक संगठन के पदाधिकारी गिरफ्तार हुए, सूरज डबराल और सोनू नेगी को गिरफ्तार किया गया है, सनातन धर्म रक्षक दल के अध्यक्ष जितेंद्र चौहान गिरफ्तार हुए हैं। तो धार्मिक संगठन के पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं, सूरज डबराल और सोनू नेगी को गिरफ्तार किया गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने पर 3 पदाधिकारी गिरफ्तार हुए हैं और मस्जिद विवाद, उत्तरकाशी मस्जिद विवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिस पर 3 पदाधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, धार्मिक संगठन के पदाधिकारी गिरफ्तार हुए हैं और सूरज डबराल और सोनू नेगी को गिरफ्तार किया गया, सनातन धर्म रक्षक दल के अध्यक्ष जितेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, सूरज डबराल और सोनू नेगी इनको गिरफ्तार किया गया, सनातन धर्म रक्षक दल के अध्यक्ष जितेंद्र चौहान को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये 3 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र असवाल हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उपेंद्र, ये जो कहा जा रहा है कि सनातन धर्म रक्षक दल के अध्यक्ष जितेंद्र चौहान, इन सबकी गिरफ्तारी की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह से, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी शिवम, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में 24 तारीख को जो आवेद मछली जो बताई जा रही है उसके खिलाफ जो यहाँ पे हिंदू संगठनवादी के जो लोग थे उन्होंने जो जुलूस प्रदर्शन किया था उसी में जो उनसे लाठीचार्ज जो हुआ था उसके संबंध में आज धारा 163 जो लगी हुई थी उसका उल्लंघन करने पर जो यहाँ पे जो अध्यक्ष जो हिंदू संगठनवादी के ये काली कमली के यहाँ पे धर्मशाला है वहाँ पे कांग्रेस कर रहे थे, जहाँ पे पुलिस को बनाए लगी और इन कम से कम 4 से 5 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, तो इस वजह से गिरफ्तारी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह से या और भी कुछ कारण थे? जी जी, मैं आपको बता दूं फिलहाल तो अभी जो मामला है वो यही है कि जो 163 धारा यहाँ पे लगी हुई है, 5 से ज्यादा से
चार से पांच लोग ज्यादा यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते, और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर कर रहे थे उसके चक्कर से, उसी के सिलसिले में जो यहाँ पर काली कमली उत्तरकाशी में जो लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे थे उसी के सिलसिले में इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। जी तो ये गिरफ्तारी कब हुई? जी जो मैं बता दूँ, ये गिरफ्तारी लगभग सुबह 11 से 11:30 बजे लगभग इन लोगों की गिरफ्तारी काली कमली से की गई है। जी हाँ ठीक है। उपेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो धार्मिक संगठन के पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है और सनातन धर्म रक्षक दल के अध्यक्ष जितेंद्र चौहान भी गिरफ्तार हुए हैं। कुल 3 लोग गिरफ्तार किया गया क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इनको गिरफ्तार किया गया। वहीं उत्तराखंड में राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निरस्त हुए छात्र संघ चुनाव के चलते छात्रों में भारी आक्रोश है। शनिवार को मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के पुतले को आग के हवाले किया। इस मौके पर छात्रों में शिक्षा मंत्री के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों के लोकतांत्रिक हक को मार दिया। विद्यालयों और महाविद्यालयों में अगर छात्र नेता नहीं होंगे तो शिक्षक और प्रबंधक छात्रों से जुड़े मुद्दों को अनदेखी करेंगे। इतना ही नहीं, छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 4 नवंबर तक छात्रों की चुनाव कराए जाने की मांग नहीं मानी जाती तो प्रदर्शन और उग्र करेंगे और इसे जारी रखेंगे। वहीं आवास और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल आज हरिद्वार पहुंचे जहां उन्होंने शिवमूर्ति पास केबल पुल के समीप बने पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान एचआरडीए द्वारा निर्मित पार्क की डॉक्टर अग्रवाल ने प्रशंसा की और ये कहा कि जल्द से जल्द इस पार्क को जनता को सौंप दिया जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने निरीक्षण के दौरान मुख्य हाईवे पर पार्क के नाम से श्राइन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा पार्क को शहीदों के नाम से रखे जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एचआरडीए द्वारा अक्सर नवाचार किया जाता है, ये पार्क भी एचआरडीए द्वारा बनाया गया है जो बहुत ही आकर्षक है। जिसके बाद शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम हरिद्वार द्वारा सराग क्षेत्र में निर्माणाधीन गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ करने और 1 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही गौशाला की दीवारों को ऊंचा करने के लिए कहा। एचआरडीए लगातार एक नवाचार हमारे यहाँ कर रहा है। पिछले दिन आपने देखा कि अनेकों जो हमारे यहाँ एचआरडीए द्वारा काम किए गए उसका निरीक्षण किया। आज मैं इस पार्क पे खड़ा हूँ जिसको यहाँ के लोग 23 मार्च जिस दिन शहीद दिवस होता है लोग यहाँ के श्रद्धांजलि करते थे। इस पार्क को डेवलप किया है जिसकी कीमत 1,90,00,000 है और खूबसूरत पार्क बना है। यहाँ घूमने के लिए है, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे लाइट्स हैं, फाउंटेन है और शहीदों के आपने देखा कि सामने आप देख रहे होंगे उनके नाम पे ये पार्क रखा गया है। तो बहुत जल्द इसका उद्घाटन करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम भी एक अच्छा पार्क हम रखेंगे ताकि लोग इससे आकर्षित हों। यहाँ देखिए सामने माँ के दर्शन हो रहे हैं, शिव जी की मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, गंगा का किनारा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर देवभूमि उत्तराखंड सहित राजधानी देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। जगह जगह संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों और होटल ढाबों में इन दिनों छापेमारी कर उचित कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मौके पर खाने पीने के पदार्थों की गुणवत्ता भी परखी जा रही है, यानी क्वालिटी चेक भी किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष सयाना ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए पिछले कई दिनों से हमारा ये जो अभियान है वो लगातार चल रहा है। दीपावली के मद्देनजर 15 अक्टूबर से अब तक 52 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से चल रहे अभियान के अंतर्गत अलग अलग प्रतिष्ठानों से करीब 100 से ज्यादा सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं। इसके साथ ही होटल ढाबा इत्यादि में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ 20 से ज्यादा नोटिस जारी किया जा चुका है
और वहीं ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ साथ कहीं पर गंदगी ना मिले। जैसे आपको मालूम है कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है और इसके अनुपालन में हमको जो है भाई आयुष महोदय डॉक्टर आर राजेश कुमार और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसी के अनुपालन में हमारे द्वारा जो है लगातार चेकिंग अभियान चल रहे हैं जिसमें हमने मेनली जो है मावे के होंगे मिठाई के होंगे और अन्य खाद्य पदार्थ जो मेनली इस त्यौहार में यूज होते हैं उनके हम लोग नमूने जाँच के लिए ले रहे हैं और रेस्टोरेंट में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रकरण चला है उसमें भी हम लोगों ने जो एसओपी बनाए हैं उसका भी अनुपालन करा रहे हैं। इनको जो है मास्क और जो है हेड कैप हो गया और जो है ग्लव्स पहनने के लिए करवा रहे हैं। अभी तक जो तो वही काला ढूंगी में भी आगामी त्योहार यानी दीपावली के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग वहां पर भी अलर्ट मोड पर है। काराडूंगी एसडीएम रेखा कोहली के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान द्वारा मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों से खोए यानी दूध की को बनाकर जो बनाया जाता है खोया उसका सैंपल लिया गया। एक सिलेंडर भी जब्त किया गया। इस दौरान एसडीएम रेखा कोहली ने बताया कि उनके द्वारा सभी दुकानदारों को साफ सफाई रखने के लिए निर्देशित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि मिलावटी मिठाई और खाद्य पदार्थों की आमद रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान दीपावली तक चलाया जाएगा जिसके साथ ही खाद्य सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेके फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत आज कालाडूंगी में आपका जो नया टी पॉइंट है आपका नए गांव में वहां पर हम सुबह 9 बजे से ही वाहनों की जो सप्लाई होती है यहां पे माल की उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे तो उसमें एक गाड़ी में मावा एक क्विंटल पाया गया जिसका सैंपल लेके कार्रवाई की गई और दूसरा रिफाइंड तेल का सैंपल लिया गया वहाँ से। इसके अलावा अभी वर्तमान में एसडीएम मैडम के सर में पूरे मार्केट की जो मिठाई की दुकान की जांच पड़ताल की गई और वहाँ अभी 2 दुकानों से मिठाई के एक खोआ का सैंपल लिया गया। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में गढ़वान उपायुक्त आर एस रावत और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की आशीष मिश्रा के संयुक्त नेतृत्व में इलायची दाना निर्माण इकाई और सोहन हलवा फैक्ट्री पर छापा मारा गया। इलायची दाना निर्माण इकाई में अस्वस्थ कर और अनहाइजीनिक परिस्थितियों में इलायची दाना का निर्माण किया गया और संग्रह करते पाया गया। इलायची दोनों में केमिकल सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का प्रयोग करते पाए गए जिसके बाद लगभग 20 किलो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड को मौके पर ही सीज कर एक नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा एक नमूना निर्मित इलायची दाना का लिया गया। इन इलायची दानों का विक्रय पिरान कलियर और अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इलायची दानों और चीनी की बोरों में बेहद गंदे धूल से भरे स्थान में संग्रहित किया जा रहा है। त्यौहार को देखते हुए शासन और प्रशासन स्तर पर जो है ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमें काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर जो है कुछ मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं तो वो और मिठाइयों का जो बनाए जाने का जो प्रोसेस है वो कुछ संदिग्ध है तो इसीलिए जो है शासन स्तर से अपर सचिव जो स्वास्थ्य हैं मैम वो आई थी इसकी जाँच और हमारे द्वारा हरिद्वार की FDA की टीम इस संयुक्त रूप से हमने जो है इसका कार्रवाई किया तो मौके पर हमें जो है बहुत ज़्यादा इस पर जो है साफ सफाई में बहुत ज़्यादा गंदगी है जो हमारे फूड सेफ्टी एक्ट शेड्यूल 4 का जो है उल्लंघन है और इसी के तहत जो हम इनकी नोटिस दे रहे हैं इनके पास लाइसेंस भी नहीं मिला है और नमूने भी इनके जो है जाँच हेतु लिए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला के भानियावाला में फूड सेफ्टी वैन के साथ पहुंचे खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बाजार की स्वीट शॉप से मिठाई मावा दूध पनीर और हल्दी के सैंपल लेकर उनकी वैन की प्रयोगशाला में जांच की। इस दौरान बाजार के वरिष्ठ व्यापारी राजन गोयल भी मौके पर मौजूद रहे। वरिष्ठ व्यापारी राजन गोयल ने इस जांच को उपभोक्ता के लिए लाभदायक और स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताते हुए फूड सेफ्टी वैन का स्वागत किया। तो वही खाद्य सुरक्षा विभाग के उपायुक्त ने कहा कि आजकल बाजारों में खाने पीने की चीजें डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसलिए लोग बिना किसी जांच के खाद्य पदार्थों की खरीदारी कर लेते हैं। देखिए आज से पहले क्या होता था जब भी इस तरह की जांच होती थी ना उसके लिए सैंपल भर के लैब में जाते थे और लैब में जाने के बाद उसका कई काफी लंबे समय के बाद जो उसका रिजल्ट आता था कि ये इसमें मिलावट है या नहीं है। ये फूड सेफ्टी जो वैन है इससे ये राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई एक सौगात है और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका ये कि ये साथ के साथ आपको रिजल्ट दे रही है। यहीं पे जांच होगी और जांच के साथ साथ रिजल्ट भी साथ के साथ मिलेगा
यानी पब्लिक के बीच में और दुकानदार के सामने। कल तक ये भी होता था, दुकानदार ये कहता था मेरा सैंपल सही था गलत था, उसके दिमाग में सवाल आते थे, क्योंकि कुछ कुछ ईमानदार दुकानदार क्या करते हैं कि बाय प्रोडक्ट जो है पीछे से लेते हैं, जैसे मावा वगैरह कहीं से अपने वेंडर से खरीदते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि हम सही खरीद रहे हैं। तो इससे जो है ये भी शुद्धता पता लग जाएगी, गुणवत्ता पता लग जाएगी कि इसके अंदर कोई मिलावट है। तो इसके साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।